हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ सी पी प्लस का बुलेट कैमरा और साथ ही साथ सी पी प्लस का डोम कैमरा। ये दोनों ही गार्ड प्लस सीरीज का है। तो आज के वीडियो में देखेंगे इसका अनबॉक्सिंग करके और जानेंगे कि इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, साथ ही साथ मैंने इसको कहाँ से परचेस किया, कितने प्राइस में परचेस किया, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इससे मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आपको ये कैमरा लेना होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे दिया है। तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में हमको देखने को मिल जाता है। ये है सी पी प्लस का बुलेट कैमरा और साथ ही साथ ये हमको मिल जाता है डोम कैमरा सी पी प्लस गार्ड सीरीज प्लस का। अब सबसे पहले बात करते हैं ये सीरीज जो गार्ड प्लस सीरीज है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे अच्छा स्पेसिफिकेशन जो कि इसका हाईलाइटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैमरा है सीसीटीवी कैमरा है, इसमें आप डे में तो कलर वीडियो कैप्चर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये रात में भी आपको कलर वीडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर करके देता है। ये गार्ड प्लस सीरीज का सबसे हाईलाइटेड फीचर्स में से एक है और साथ ही साथ इसमें आपको इंफ्रारेड सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, उसके जगह पर आपको दो ठो LED दिया गया है जिससे आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा एनहेंस होने वाला है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी में आएगा और साथ ही साथ कलर आएगा। तो ये इसका सबसे हाईलाइटेड फीचरों में से एक है। और ये जो कैमरा है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का आपका वीडियो कोड भी सपोर्ट करता है, तो इसमें आपको सारा कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं बुलेट कैमरे को। जब भी आप ये कैमरे को ओपन करेंगे आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो सील है वो टूटा तो नहीं है, है ना, क्योंकि ये जो कैमरा है दोनों ही सील पैक के साथ आया था। हो सकता है कि डिस्पैच के दौरान ये सील टूट जाए, ठीक है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि सील होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा सी पी प्लस गार्ड सीरीज का बुलेट कैमरा जो कि 2.4 मेगापिक्सल का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के बॉक्स पैकिंग में हमको मिल जाता है, उसके बाद पॉलीथीन में पैक्ड है और साथ ही साथ इसमें हमको सिलिका मिल जाता है, सिलिका जेल, और साथ ही साथ इसमें हमको कैप और स्क्रू मिल जाता है इसको वॉल माउंट करने के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रू का क्वालिटी की बात करें तो स्क्रू का क्वालिटी तो अच्छा लगा, बट मेरे को कैप का क्वालिटी उतना खास नहीं लगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और सिलिका जेल भी मिल जाता है जो कि हमारा कोई काम का होता नहीं है। तो बॉक्स को अभी हम रख देते हैं साइड में और अब हम इसको करते हैं ओपन। तो देखिए दोस्तों, कुछ ये इस प्रकार से हमको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं आपको बीच में मेन सेंसर मिल जाता है और साथ में आपको दो ठो LED लाइट दिया गया है जो कि आपका वीडियो क्वालिटी, यानी कि जो आपका वीडियो क्वालिटी है उसको काफ़ी एनहेंस कर देगा, काफ़ी ब्राइट कर देगा और साथ ही साथ कलरफुल तो बनाएगा ही बनाएगा। जैसे कि जो हमारा कॉस्मिक सीरीज़ का कैमरा रहता था या इंडिको सीरीज़ का, उसके साइड में आपको इंफ्रारेड आपको लाइट मिलता था जो कि आपका दिन में कलर रिकॉर्डिंग करता था लेकिन रात में वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता था, लेकिन वो प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपको दो ठो LED लाइट मिल जाता है जिसका जो लाइट है वो काफ़ी तेज होता है और इसका जो लाइट है वो भी वो ऑटो एडजस्टमेंट हो जाता है अकॉर्डिंगली, कितना दिन है, कितना रात है, मीडियम है कि नहीं है, उस हिसाब से वो खुद एडजस्टमेंट करके आपको लाइट सफिशियंट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मेन सेंसर है वो 2.4 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और साथ ही साथ इसमें आपको इसका मॉडल नंबर और QC पाव लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर CPGPC T24PL2S इसका मॉडल नंबर है और ये कितना इनपुट लेता है DC 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है और ये इसमें आपको सीरियल नंबर QC पाव
मेक इन इंडिया सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है और सीपी प्लस का ब्रांडिंग भी मिल जाता है। वहीं इसकी वायर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका वायर भी आपको सफिशियंट मिल जाता है और इसमें आपको डीसी पॉट और आपको बीएनसी पॉट दिया गया है। रेड कलर वाला डीसी पॉट है जो कि कैमरे को पावर देगा और जो हमारा ये जो येलो कलर का है वो बीएनसी पॉट है जो कि वीडियो ट्रांसमिशन का काम आता है। जैसे आप इसको वॉल माउंट करना चाहते हैं तो आपको इसको ओपन कर देना है, आप देख सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको इसको निकाल लेना है, निकालने के बाद इसको आपको ऐसे रख देना है वॉल पे, उसके बाद यहाँ पे निशान बनाकर आप इसको ड्रिल करके इसको सक्सेसफुली फिट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। और वहीं अगर आपको कैमरे को एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपको स्क्रू मिल जाता है, ये स्क्रू से आप इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। पहले ढीला करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी डायरेक्शन में रखना है उसके बाद इसको टाइट कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपको बार कोड भी मिल जाता है, ये बार कोड से आप ये कैमरा ओरिजिनल है कि फेक है आप ये पता कर सकते हैं। उसका भी वीडियो मैं आपको आगे बनाकर दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये कैमरा जेन्युइन है कि फेक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बुलेट कैमरे का स्पेसिफिकेशन और ओवरव्यू। अब हम आपको बताते हैं हमारे डोम कैमरे का स्पेसिफिकेशन और ओवरव्यू, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ सिंपली। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है डोम कैमरा, और साथ ही साथ इसमें भी आपको स्क्रू और आपको कैपिंग मिल जाता है। और दोनों में स्क्रू में काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं इसका स्क्रू थोड़ा अच्छे में है और इसका स्क्रू काफ़ी पतला दिया गया है। बाकी कैप तो दोनों ही सिमिलर है, लेकिन इसका स्क्रू मेरे को उतना खास नहीं लगा, काफ़ी छोटा सा दिया गया है, ठीक है ना। तो स्क्रू के मामले में डोम कैमरे का स्क्रू थोड़ा छोटा मिल जाता है। तो इन केस अगर आपको स्क्रू पसंद नहीं आता तो आप अलग से लेकर भी स्क्रू को लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको स्क्रू का क्वालिटी उतना पसंद नहीं आता तो। तो चलिए अब हम इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हमको हमारा मेन यूनिट जो हमारा कैमरा है वो मिल जाता है, और साथ ही साथ इसमें भी आपको सिलिका जेल दिया गया है, ठीक है। तो हम बॉक्स को रख देते हैं साइड में। अब हम इस करते हैं डोम कैमरे को ओपन। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा डोम कैमरा, ठीक है। ये 360 डिग्री मुड़ जाता है, जैसे कि आपको मैं एक दिखा देता हूँ, ये जो है ये 360 डिग्री ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है ना। जहाँ भी आप मोड़ना चाहे, जैसे मोड़ना चाहे, 360 डिग्री घूम जाता है। तो सबसे खास बात है इस कैमरे का कि ये 360 डिग्री ये घूम जाता है, ठीक है ना। और आप इसको कैसे भी फिट कर सकते हैं, ऐसे फिट कर सकते हैं, ऐसे फिट कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको ऐसे फिट कर सकते हैं। ये ऑल राउंडर कैमरा है, मतलब अगर फिटिंग करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको 360 डिग्री बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी कैसे भी फिट कर सकते हैं ये कैमरे को। इसका भी वायर आपको हैज़ इट इज़ जैसे कि बुलेट कैमरा में दिया गया वैसा ही मिल जाता है। इसका जो वायर का क्वालिटी है दोनों का ही काफी अच्छा है। गार्ड प्लस सीरीज में जो ये वायर का क्वालिटी मिलता है केबल का, बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप कॉस्मिक इंडिको सीरीज से कंपेयर करेंगे तो इसका काफी ज्यादा अच्छा मेरे को वायर क्वालिटी लगा। इसमें भी आपको डीसी और बीएनसी पोर्ट मिल जाता है, और आप देख सकते हैं ये भी 2.4 मेगापिक्सल का इसमें आपको मेन सेंसर दिया गया है, कैमरा सेंसर, और साथ ही साथ दो ठो आपको एलईडी लाइट मिल जाता है वीडियो कैप्चर करने के लिए रात में कलर, ठीक है। तो वीडियो क्वालिटी की बात करेंगे तो इसका वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको अंधेरे में भी आपको अच्छा खासा ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, और ब्राइटनेस के साथ आपको कलर वीडियो रिकॉर्डिंग का आप मज़ा उठा सकते हैं। तो दोस्तों जो ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी अच्छा सीरीज़ है, अगर आप सीपी प्लस का देखें तो। और इसमें भी आपको बारकोड मिल जाता है जो कि आपके कैमरे का जेन्युइननेस को पता करने का काम आता है। इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आगे वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपने कैमरे का जेन्युइन है कि फेक है आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपको मॉडल नंबर मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं CPGPC D24L2S, और इसमें आपको 12 वोल्ट इनपुट मिलता है और 2 एम्पियर, और इसमें आपको सीरियल नंबर, मेक इन इंडिया और QC पावर्ड सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें हमको कितने साल का वारंटी मिलता है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा कैमरा है इसमें आपको 2 ईयर्स का वारंटी मिल जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अगर इन कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसमें आपको 2 साल का वारंटी मिल जाता है। ठीक है, आपको सर्विस सेंटर जाकर इसको आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका इनवॉइस, इसका बिल भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको 2 ईयर्स का वारंटी मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि मैंने इन कैमरों को कहाँ से परचेस किया है, कितने में परचेस किया है। तो कहाँ से परचेस किया है, कितने में परचेस किया है, वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये लेना होगा कैमरा तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन दोनों कैमरे को परचेस कर सकते हैं कॉम्बो में, या आपको सेपरेटली लेना है, इंडिविजुअल लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। दोनों ही 2.4 मेगापिक्सल का है। अब हम बात करते हैं कि कहां से लिया और कितने प्राइस में परचेस किया। तो दोस्तों मैंने इसको परचेस किया है अमेजोन से, कि यहां से परचेस किया है अमेजोन से। और कितने में परचेस किया है, इसको मैंने परचेस किया है 1600 रुपये में। ठीक है, और इसको मैंने परचेस किया है 1500 रुपये में। और वहीं दोस्तों अगर हम इन कैमरों की MRP की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसका MRP जो कि बुलेट कैमरे का है 2500 रुपये, और इसका दिया है 2400 रुपीज़ का, है ना, यानी कि 2400 रुपये दिया गया है। बुलेट कैमरे का 2500 और डोम कैमरे का 2400। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1600 रुपीज़ में और ये मिल जाएगा आपको 1500 रुपीज़ में। दोस्तों मैं आपको इन दोनों कैमरे के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे कि आप जनरली देखते होंगे कि जो हमारा बुलेट कैमरा होता है उसमें आपको IP56 प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये IP56 होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जो ये IP56 जो होता है वो वाटर प्रूफ रहता है, क्लाइमेट प्रूफ, वाटर प्रूफ, है ना, यानी कि उसमें अगर डस्ट वाटर वगैरह चले जाए तो वो ख़राब नहीं होता। तो जनरली ये फीचर आपको आउटडोर कैमरा में मिलता था, यानी कि आपके बुलेट कैमरा में मिलता था, क्योंकि जो बुलेट कैमरा है वो हमारे आउटडोर पे लगता है। लेकिन आपको गार्ड प्लस सीरीज में आपको डोम कैमरा में भी आपको IP56 प्रूफ दिया है, यानी कि इस कैमरा जो डोम कैमरा है उसमें भी अगर पानी चले जाता है, डस्ट चले जाता है, है ना, तो ये खराब नहीं होगा क्योंकि ये भी IP56 प्रूफ है। तो इस सीरीज में आपको दोनों ही कैमरा, बुलेट में तो आपको पहले ही मिलता था, डोम कैमरा में भी आपको IP56 प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है गार्ड सीरीज प्लस, जो कि CP+ ब्रांड का है। और इन दोनों कैमरे का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को और शेयर भी करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।